सोच के। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के चंदिया थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर नेशनल हाईवे 43 में एक बुलेरो वाहन से 60 किलो गांजा एवं दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीओपी केके पांडे ने बताया कि गांजा तस्कर गिरोह छत्तीसगढ़ से बिलासपुर से गांजा की खेप लेकर एमपी में खपाते थे, जिन्हें दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिन दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनके नाम संतोष कुशवाहा निवासी सिहोरा एवं राकेश पटेल निवासी छतरपुर है। एक आरोपी मौके से वाहन से कूदकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने बुलेरो वाहन जब्त कर लिया है और दोनों आरोपियों के ऊपर एनडीपीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। उमरिया से राजेंद्र मिश्रा की एक रिपोर्ट। और एक बड़ी खेप हमने चंदिया अंतर्गत पकड़ी, तो छत्तीसगढ़ से ये गाड़ी आ रही थी CG-10FA-4265। इसकी मुखबिर सूचना थी चंदिया को, उस समय उस सूचना पर से राघवेंद्र तिवारी साहब हैं चंदिया थाना प्रभारी वर्तमान में, उनकी पूरी टीम उसमें लगी, उसको प्रॉपर उसको उन्होंने सिस्टम को बिठाया और उस गाड़ी को रुकवाया, उसकी तस्दीक की गई, उसमें गांजा पाया गया, जिस पर से 8/20 NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई। इसमें दो आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे, एक आरोपी फरार हुआ है इरफान, उसकी पता तलाश पुलिस कर रही है। इस पूरी कड़ी में गांजा जो था वो व्यापक मात्रा में था, लगभग 60 किलो के आसपास।